कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको नया सूचना जो बिहार टीटी के तहत जो न्यूज़पेपर में आया है और जो सूचना हमें प्राप्त हुआ है उसके तहत मैं बता रहा हूँ कि जैसे पहले जो 150 पे रिजल्ट जारी किया गया था और पहले जो था आपका 60% जनरल वालों के लिए और ओबीसी के लिए 55% और 50 जो था एसटी एससी वालों के लिए जो कट ऑफ था क्वालिफाइंग मार्क्स, उसमें अब परिवर्तन आया है। अब जो है ओवरऑल क्वालिफाई जो है 121 पे रखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ये बात सोच रहे हैं कि बहुत जो भी सब्जेक्ट हुआ था जैसे मैथिली हुआ अंग्रेजी हुआ, तो कई बार यहाँ पे ये निकल रहा है कि जैसे मैथिली में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन गलत थे, जो इंग्लिश लिए थे उनमें कम था, हिंदी में कम था, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन जो आधिकारिक सूचना अभी तक कोई भी यहाँ पे साइट पे आप देख रहे होंगे कि कोई भी सूचना नहीं है, जो कि अभी करेंट में कोई ऐसा सूचना दिया गया हो। जो भी सूचना है वो प्रीवियस सूचना ही है जिसके तहत हम कुछ भी गेस या कुछ भी जानकारियां मिली है वो आउट ऑफ सोर्स से हमें मिला है। तो उसके तहत जो मुझे सूचना मिला है उसमें 121 नंबर पे रिजल्ट बनाने की बात हुई है। तो अगर उसमें जैसे 150 का एग्जाम था तो अब जो है 121 टोटल होगा और 121 का जैसे आपका 60% हो गया 72 या 73 मार्क्स, तो उस पे जनरल लोगों का कट ऑफ जाएगा जिनका नंबर इतना बन रहा था या जिन्होंने ऑब्जेक्शन पैनल में ऑब्जेक्शन किया था, तो उनका फिर रिवाइज्ड आंसर फिर दोबारा आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपका लगभग 60% बन रहा है जनरल वालों के लिए तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो ओबीसी में है उनका 55% यानी 66 नंबर लाते हैं, या जो जनरल लड़कियां भी हैं और वो 55% ले आ रहे हैं, तो उनका क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई वो यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सूचना मिला है 50% जो है एसटी एससी वालों के लिए है, तो उसका मान के चलिए 50%, तो वही 122 का 61 मार्क्स हो गया। तो अगर जो 61 मार्क्स ला रहे हैं एसटी एससी वाले तो वो क्वालिफाई यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जो सूचना देख रहे हैं समाचार एवं सूचना कर्म जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें कोई भी रिवाइज्ड प्रॉपर वे में आंसर अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई सूचना आता है तो हम जरूर आपको बताएंगे, जरूर अपडेट करेंगे। अभी तक जो ये सूचना इस साइट के माध्यम से हमें नहीं मिला है, बस मुझे जो आउटसोर्स से जो सूचना मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मे बी कट ऑफ अलग अलग भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट था लैंग्वेज और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गलत हुए थे वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक एवरेज मान के मैं बता रहा हूँ 121 के आसपास ही जाएगा ओवरऑल मतलब मार्क्स, ठीक है। तो यही सूचना है आज के लिए, और कोई नया सूचना अभी तक साइट के माध्यम से अपडेट नहीं हुआ है तो जिसके तहत मैं आपको ज्यादा विशेष बताऊं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।